नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने जयपुर से बाड़मेर आज आते ही बाड़मेर के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। राजकीय अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के PMO डॉक्टर BL मंसूरिया, बाड़मेर के CMHO डॉक्टर BL विश्नोई एवं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RK आशेरी मौजूद रहे। वहीं मेवाराम जैन ने बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के कई वार्डों में जाकर मरीजों से हालचाल पूछे तथा यहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। साथ ही यहां लगे सभी डॉक्टरों को भी चिकित्सा सुविधाएं बेहतर देने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पर्ची काउंटर के साथ साथ कई वार्डों में भी निरीक्षण किया, OPD सेंटर में भी जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की और राजकीय अस्पताल में इन दिनों जो मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की भीड़ चल रही है उसको लेकर भी सावधानी बरतने आम लोगों से भी अपील की। राजकीय अस्पताल निरीक्षण के दौरान उनके साथ बाड़मेर नगर परिषद के चेयरमैन दिलीप माली भी मौजूद रहे। वहीं विधायक मेवाराम जैन ने हॉस्पिटल के निरीक्षण करने के बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और बाड़मेर की जनता से भी अपील की कि कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगाएं। फिलहाल 60 वर्ष से उम्र के अधिक के लोगों के टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान बाड़मेर नगर परिषद के चेयरमैन दिलीप माली ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन से बातचीत की तो उन्होंने हाल ही के राजस्थान सरकार के बजट में जो बाड़मेर में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर करने को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं, 126 करोड़ की लागत से बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में 300 बेड की सुविधा और मिलेगी, ICU वार्ड में 30 बेड के और बाड़मेर विधानसभा के कई स्थानों पर CSC और PSC खोलने को लेकर भी पूरी बात विस्तार से बताई। इसके अलावा बाड़मेर ज़िले को इस विधानसभा बजट में क्या क्या सौगातें मिली है इसको लेकर भी बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने हमसे बात की और पूरी जानकारी दी। वहीं विधायक मेवाराम जैन ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के बाद बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर से बैठकर मीटिंग भी की। तो आइए जानते हैं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने हॉस्पिटल के निरीक्षण के बाद क्या पूरी बात कही और बाड़मेर को क्या सौगात मिली उसके बारे में जानने के बाद बाड़मेर के राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी और क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए? आज पहली बार तो जिस तरह से इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बाड़मेर के लिए सौगात दी और हॉस्पिटल के लिए जो सौगात दी, इसके लिए मैं यहाँ अस्पताल आया भी कि आज सवेरे आया हूँ, अस्पताल आया और यहाँ अस्पताल प्रशासन, बाड़मेर प्रशासन, बाड़मेर की जनता और सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी में धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर इस बजट में हमने जो मांगा वो हमें मिला और इस अस्पताल की आज की बात करें व्यवस्था अच्छी है। अभी आप देख ही रहते इतनी भीड़, OPD दिन में 2500-3000 की OPD और जिस तरह से डॉक्टर्स उसमें लगे हैं, शानदार व्यवस्था है। मुझे कोई किसी तरीके से बैद भी नहीं मिली। वैक्सीन के टीके लगा रहे हैं उसके भी लोग उमड़ रहे हैं, मैंने खुद ने भी लगाया, प्रिंसिपल साहब ने लगाया और मैं सभी बाड़मेर की जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि टीके लगाने में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और ये हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप अब कोरोना का बीच में बिल्कुल अच्छा वातावरण हो गया, खत्म हो चुका था, अब वापस अपन कुछ लापरवाही कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ वापस फैल रहा है, इसलिए आप मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस वगैरह रखें और नियमों की पालना करें ताकि कोरोना वायरस दोबारा नहीं फैले, ये भी कहना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर के लिए सौगातें दी, इस अस्पताल के अंदर 126 करोड़ का 365 बेड के लिए जो निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 30 बेड का ICU वार्ड की भी स्वीकृति दी, इसके लिए भी मैं बाड़मेर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ग्रामीण एरिया में मेरी बाड़मेर विधानसभा के अंदर बाड़ेरा में PSC दी, दुधाबेरी में PSC दी और चौहा में CAC दी,
और उसके साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ पंचायत मुख्यालय है वहाँ सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, 748 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे, जिसमें बाड़मेर मेरी विधानसभा में 17 जगह उप स्वास्थ्य केंद्र भी इसके साथ खुल रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोकेमिकल्स की ब्रांच खुली, यहाँ के नौजवानों को काफ़ी दिनों से डिमांड थी, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। सड़कों के लिए पैसे खूब दिए, एक सड़क आपके जिप्सम वोट से लगा कर विशाड़ावाड़ी पूरी रोड, इसके लिए 16 करोड़ का बजट आवंटन किया, और भी रोड आउट रोडों के लिए 5 करोड़ रुपए का एक अलग आवंटन किया, 10 ट्यूबवेल दिए, 40 हैंडपम्प दिए, और एक GSS दिया, स्कूलें दे रहे हैं, और शहर के अंदर पहली बार सरकार ने 20 किलोमीटर रोड दी है। सीवरेज के लिए मैंने परसों ही बात की थी, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बन के जा रहा है बाड़मेर शहर के आसपास की शहर की, और पानी की व्यवस्था और सीवरेज की व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था होगा। 10 करोड़ अभी इस बजट में पानी के लिए भी पैसे दिए हैं, और बाड़मेर में ग्रामीण तहसील की खोलने की भी घोषणा हुई है। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे हरियाणा मगरा विशाड़ा भाटखा में 33 KV का GSS खोलने की घोषणा की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो जनता की यहाँ डिमांड थी, जो जनता की जो आवश्यकता थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इन समय में बाड़मेर का लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बहुत ही जल्दी जितनी भी घोषणाएं हुई है उसका तत्परता से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दे दिया कि इसको लागू करें और जल्दी कार्य प्रारंभ करें। तो मैं इस मौके पर बाड़मेर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको उनकी पूरी टीम।